तो आज जो मैं आपको प्रीमियम हैचबैक दिखाने वाला हूँ वो इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट हैचबैक है, साथ में मोस्ट प्रीमियम मोस्ट स्पोर्टीस लुकिंग है, फीचर लोडेड दिए गए हैं यहाँ पे, साथ में जो स्पेस है जो कंफर्ट है वो एक फैमिली के हिसाब से बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलता है। तो कौन सी है वो हैचबैक? सो वो है ये टाटा एल्ट्रॉस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। चैनल पर पहली बार यार फटाफट से सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो हम शेयर करने वाले इसका एक डिटेल वॉक अराउंड इस मॉडल का, एंड साथ में हम ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे इस मॉडल में और कौन कौन से जो कार्स हैं राइवल कार्स हैं वो आ जाती हैं, उनका क्या प्राइस है, ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन, डायमेंशन कंपैरिजन, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज, हर नुक एंड कॉर्नर से ये बहुत ही चौड़ी गाड़ी लगती है, साथ में बहुत स्पोर्टी है। यहाँ पे डुअल टोन जो कलर थीम है वाइट एंड ब्लैक रूफ, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। साथ में आपको फ्रंट में कुछ ऐसे यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है टाटा की ह्यूमैनिटी लाइन सिग्नेचर, और कुछ ऐसे यहाँ पे हेडलैम्प अवेलेबल है, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प मिलेंगे लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर, पार्किंग लैम्प और ये है कॉर्नरिंग फॉग लैम्प, साथ में रियर रनिंग लाइट्स भी अवेलेबल है। जो हेडलैम्प दिए गए हैं ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करे गए, और टाटा एल्ट्रॉस ने स्कोर करे हैं पूरे 5 स्टार ग्लोबल एनकैप टेस्ट में। बहुत ही ज़्यादा सेफ कार है और जो इसकी लुक भी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको मिलती है। मल्टीपल यहाँ पे कलर ऑप्शन अवेलेबल है इस ड्यूअल टोन के अलावा भी, और जो बोनट का साइज़ आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा दिया गया, तो एक SUV लाइक फील भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो सस्पेंशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यून्ड है, जो यहाँ पे टायर्स भी हैं काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफर करते हैं, और जैसे बोलते हैं हम रोड से सट के चलती है कार, तो बहुत ज़्यादा प्लांटेड और कंपोज ये राइड क्वालिटी ऑफर करती है। और यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, तो जो भी आपके पसंद का हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, काफ़ी सारे इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें कि मैनुअल गियरबॉक्स अवेलेबल है और DCA गियरबॉक्स अवेलेबल है जो कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। साथ में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आपको मिलता है, जिसमें मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया बट ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, ऑटोमेटिक होना चाहिए था बट वो अवेलेबल नहीं है। एंड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी मिल जाता है जो कि काफ़ी पावरफुल है, और इसमें 4 सिलेंडर मिल जाता है, साथ में मैनुअल गियरबॉक्स अवेलेबल है। साउंड एंडिंग मटेरियल काफ़ी यूज़ करा गया है, और यहाँ पे ये है इंजन, जो अंडरबॉडी इंजन गार्ड है वो अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो उसे बाद में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। और सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल के मिल जाते हैं 5 स्टार ग्लोबल एनकैप के अलावा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई है, डुअल एयर बैग्स अवेलेबल हैं, ABS विद EBD, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर, साथ में सारी यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। और आप साइड से भी देखेंगे तो एक स्पोर्टी यहाँ पे स्टांस दिया गया है, मल्टीपल यहाँ पे जो करेक्टर लाइन्स है वो यूज़ करी गई है जो कि बहुत ही डिफरेंट लुक ऑफर करती है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर इस साइड मिलेंगे और ORVM दिए गए हैं, साथ में यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, काफ़ी अच्छा ORVM है, ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ आता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की रूफ मिलती है एंड माइक्रो एंटेना, और ब्लैक रूफ के साथ यहाँ पे भी ब्लैक कलर की विंडो बेल्ट लाइन दी गई है। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्पोर्टी जो एलिमेंट्स हैं इसको और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाते हैं। यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स है ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, 16 इंचेस के दिए गए हैं, 195/55 सेक्शन टायर, और रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया, उस साइड अवेलेबल नहीं है। और ये है इसकी रियर लुक, जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड हर एक कार की जो एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट है वो भी 10 साल तक की वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है, तो हर एक साल क्या क्या पार्ट चेंज होंगे वो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो अगर कोई भी न्यू कार प्लान करे परचेज करने का, तो बहुत सारे ऑफर एंड डिस्काउंट जो होते हैं, जो इंश्योरेंस में 70% तक डिस्काउंट होता है, डीलर आपको कभी भी नहीं बताते, तो अगर आपको डिस्काउंट एंड ऑफर चाहिए किसी भी कार के, तो एक फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से सबमिट करते हैं एंड वी विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स, क्या क्या डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं और फ्यूचर में कौन कौन से आने वाले हैं। साथ में रियर आप देखेंगे तो रियर भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग दिया गया, यानी कि डुअल टोन फिनिश के साथ दिया गया, यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और इवन यहाँ पे जो टेल लैम्प है उधर भी ऊपर की साइड ब्लैक फिनिश मिलेगी। LED टेल लैम्प लगते हैं लेकिन है नहीं, नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प है। रियर वाइपर, डिफॉगर, यहाँ पे स्पॉयलर एक्सटेंशन, एल्ट्रॉस की बैजिंग मिलती है रियर में, यहाँ पे कैमरा दिया गया और आई टर्बो, यानी कि टर्बो मॉडल है। रियर में 2 सेंसर्स और लाइसेंस प्लेट की लाइट LED में, और LED लाइट भी रात को काफ़ी अच्छी लुक ऑफ करती है, बहुत ही स्पोर्टी लगती है ये। यहाँ पे रिफ्लेक्टर और 2 आपको यहाँ पे और रिफ्लेक्टर मिलते हैं, ये प्रॉपर हेलोजन रिफ्लेक्टर दिया गया, यानी कि लाइट जलती है इसके अंदर। यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे टेलगेट ओपन हो जाएगा, स्मॉल से यहाँ पे कैमरा दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा लगता है।
ग्रैब हैंडल अवेलेबल है दोस्तों, साथ में ये है टोटल बूट स्पेस। लोडिंग लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर दिया गया, इसके अलावा यहाँ पे एक लगेज लैम मिल जाता है, 3 kg का हुक, उस साइड भी आपको 3 kg का हुक मिलेगा। और इसको उठाते हैं तो ये है स्पेयर टायर जो कि स्टील व्हील दिया गया, अलॉय नहीं है। और इसका साइज है ये रहा 165/80 R40 और 60/40 स्प्लिट फंक्शन अब आपको इधर नहीं मिलता। तो अगर आपको सीट्स को फोल्ड करना है तो सीट्स पूरी ही यहाँ पे फोल्ड करनी पड़ेगी कुछ ऐसे। चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स भी अवेलेबल हैं, तो फोल्ड करने के बाद कुछ इतना आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है एक हैचबैक के हिसाब से। और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी अवेलेबल है, तो अगर सारे डोर्स में आप फंस जाएँ, लॉक हो जाएँ कोलिजन में, तो यहाँ पे जो की है की अपनी गाड़ी की इंसर्ट करके इधर से टेलगेट ओपन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डायमेंशन कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिर चेक करते हैं इंटीरियर्स। तो आप चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड एल्ट्रॉस में कुछ आपको ऐसी की मिलती है और कुछ एक ऐसी की मिल जाती है, ये इसकी बैंड वाली की है। सो एल्ट्रॉस की यहाँ पे बैजिंग है, ये नॉर्मल की तरह वर्क करती है, तो लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कार को स्टार्ट अप कर सकते हैं ये हाथ में पहने हुए। तो वेरिएबल की दी गई है जो कि बेसिकली बहुत ही यूनिक फीचर है, ऐसा फीचर आपको किसी भी कार में नहीं मिलता। देन ये मेन की है, इसके साथ एक आपको एक एडिशनल फिजिकल की भी ऐसे मिल जाती है और इसमें भी यहाँ पे की दी गई है जो कि आप अलग से निकाल सकते हैं ऐसे। सो इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। अनलॉक बटन, लॉक बटन, टेलगेट बटन एंड यहाँ पे लाइट का बटन दिया गया, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो मेन जो हेडलैम्प है वो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। और जो स्मार्ट कीलेस एंट्री है वो सिर्फ इस साइड अवेलेबल है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। ऑटो फोल्डिंग ORVMs और कार को ऑन कर लेते हैं, पुश स्टार्ट बटन। एंड दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक, वेलकम फंक्शन। सो आयरा यहाँ पे आपको मिल जाता है विच इज़ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। सो कार को आप अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, व्हीकल स्टेटस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पीड ट्रैक कर सकते हैं। ओवर स्पीड होती है तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो भी व्हीकल अलर्ट्स वगैरह है वो सब आपके स्मार्टफोन पे आ जाएंगे। इवन जो टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन है, जो फ्यूल की इन्फॉर्मेशन है, सब आपको अपने स्मार्टफोन में मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप कार को स्टार्ट या फिर स्टॉप नहीं कर सकते अपने स्मार्टफोन से, वो आप i20 में कर सकते हैं, यहाँ पे वो फीचर अवेलेबल अभी नहीं है। सो ये है कैबिन की लुक। इंटीरियर्स आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाते हैं, यहाँ पे फ्रंट फुटवेल जो है वहाँ पे कंप्लीट एक लाइट दी गई है, तो फ्रंट फुटवेल आपको लैम्प मिल जाता है, साथ में जो सेंट्रल कंसोल है यहाँ पे भी कंप्लीट एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है, बहुत ही डिफरेंट लगती है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ कंट्रोल्स, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर फॉग लैम्प कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, अम्ब्रेला होल्डर एंड यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक फिनिश मिलती है। यहाँ पे कोई अंदर वो नहीं दिया गया, जैसे कोई बेस नहीं है इसका, तो यहाँ पे अगर आप पुश पुट करेंगे तो यहीं से आ जाएगा। सो ये हैंडल दिया गया, ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको एल्यूमिनेटेड मिलती है और यहाँ पे ट्विटर अवेलेबल है साथ में। अगर डोर्स को लॉक करना है तो हमें जस्ट ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, डोर सारे लॉक हो जाते हैं। और अब चलते हैं इंटीरियर्स में। और ये है दोस्तों लेदर सीट अपॉल्स्ट्री, ब्लैक कलर की लेदर सीट अपॉल्स्ट्री, बहुत ही प्रीमियम लगती है। और कीज़ को यहाँ पे रख देते हैं। इसी के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है क्लच फुटरेस्ट के पास, यहाँ पे आपको एक वो मिल जाता है फ्यूल लिड ओपनर, साथ में ये है अगेन इंटीरियर्स, मल्टीपल टेक्सचर्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। इवन फ्रंट में यहाँ पे भी आप ट्विटर इंस्टॉल करवा सकते हैं, फ्रंट में भी क्वार्टर ग्लास अवेलेबल है छोटा सा जो कि आपको बाहर की तरफ से ज़्यादा विजिबल रहेगा। एंड ये है स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया, काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफर करता है, तो ये भी काफ़ी अपमार्केट फील होता है। टिल्ट एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिंग नहीं दी गई। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, इधर आप देखेंगे क्रूज कंट्रोल, ये है वाइपर कंट्रोल्स, और इधर आपको मिलते हैं हेडलैम्प कंट्रोल्स हेडलैम्प लेवलर के साथ, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल है। तो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत ही प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे जो कलर थीम भी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, साथ में यहीं से ही ऑपरेट हो जाता है जो कि बेस्ट बात है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड कितनी रही, डुअल ट्रिप मीटर यहाँ पे शो होता है, रियल टाइम पावर एंड टॉक फिगर, कौन सा यहाँ पे म्यूजिक स्टेशन प्ले हो रहा है, रेडियो स्टेशन एंड म्यूजिक प्ले हो रहा है, वो सब यहाँ पे शो होता है। आउटसाइड टेम्परेचर, गियर, पोजीशन इंडिकेटर, ऑटोमेटिक में गियर शिफ्ट इंडिकेटर, मैनुअल में सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो जाती है।
एंड इसी के साथ यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाती है, तो कैबिन के इल्यूमिनेशन हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं कंप्लीट, और TPMS रीसेट, तो जब आप ड्राइव करेंगे तो TPMS का भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड इसी के साथ दोस्तों ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मॉल साइज का दिया गया है लेकिन क्या रहता है कि आई लेवल पे दिया गया, तो जब हम ड्राइव कर रहे हो तो नेविगेशन वगैरह जो है वो इजीली विजिबल रहती है, हमें बार बार नीचे की तरफ यहाँ पे देखना नहीं पड़ता, तो ऐसे ड्राइव करते हुए बहुत ही आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। 7 इंचेस का दिया गया, एप्पल कार प्ले अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है, इनबिल्ट नेविगेशन नहीं मिलती, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू आप इनबिल्ट यहाँ पे नेविगेशन या फिर गूगल मैप जो है वो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है, जो टच है वो हल्के से स्लो दिया गया, बट ओवरऑल जो फीचर्स हैं काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। एम्बिएंट लाइट इसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड DRLs को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अप्रोच लैम्प यानी कि फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन, इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं कितने सेकेंड्स के लिए आपको चाहिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। देन यहाँ पे थीम्स भी हैं, डिफरेंट थीम, जील, यूजर, जेन मोड, तो जैसे जेन मोड मैंने कर दिया तो यहाँ का कलर भी चेंज हो गया, यू कैन सी यहाँ पे भी ब्लू कलर हो गया और यहाँ पे भी। इसी तरीके से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC अवेलेबल है, तो अगर आप AC को यूज़ करना चाहते हैं फिजिकल बटन से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इधर से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, और जो AC की फंक्शनिंग है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, तो AC को आप यहाँ से भी कंट्रोल आराम से कर सकते हैं टच स्क्रीन से। देन यहाँ पे काफ़ी सारे और भी शॉर्टकट आपको मिल जाते हैं। 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, 4 ट्विटर्स आपको मिलते हैं, हार्मन का साउंड सिस्टम दिया गया, साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है यहाँ पे, और साथ में एडिशनल ट्विटर की स्पेस दी गई है तो वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलेगा, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, एंड सॉकेट एल्यूमिनेटेड नहीं है ना USB पोर्ट आपको एल्यूमिनेटेड मिलता है, और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, और यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है, और ये है गियर नॉब, लेदर आप दी गई है, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है। रिवर्स गियर लगाएं तो ये है रियर कैमरा का डिस्प्ले, गाइडलाइंस जो है वो अडाप्टिव है, सेंसर का डिस्प्ले आपको नहीं मिलता लेकिन ओवरऑल कैमरा काफ़ी क्लियर है। और ये है जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई एक भागता हुआ व्यक्ति है, तो ये है स्पोर्ट मोड, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो स्पोर्ट मोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड एंड सिटी मोड। यहाँ पे इको मोड नहीं है बिकॉज टर्बो है, तो आप टर्बो इंजन ले रहे हो तो यहाँ पे इको मोड नहीं दिया गया। यहाँ पे 2 कप होल्डर स्पेस आपको मिल जाएगी, और ये आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दी गई है, लेदर ऐप कुशन भी है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे आप हाथ रख के आराम से जैसे गियर है वो शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आर्मरेस्ट थोड़ी सी ऊपर प्लेस होती तो वो ज़्यादा बेटर रहता गियर शिफ्ट में, बिकॉज ये थोड़ी सी नीचे प्लेस्ड है। एंड इसको आप ओपन करेंगे तो जो अंदर स्पेस है वो आपको थोड़ा सा कम ही मिलता है, ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन मतलब थोड़ा रिक्वायर्ड, मच रिक्वायर्ड स्पेस ही है, तो अंदर आप ज़्यादा सामान यहाँ पे रखते भी नहीं है। एंड ये है दोस्तों इन्वॉल्व की प्योर वुड परफ्यूम, इसमें जो लग्जरी ऑयल्स हैं वो ब्लेंड करे गए हैं, इसकी जो परफ्यूम की फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी है। यहाँ पे आप ऐसे डैंगलर को हैंग करेंगे और 2-3 बार स्प्रे करेंगे, आराम से 2-3 दिन चल जाते हैं, ये 2 से 3 महीने परफ्यूम चल जाती है बहुत ही आराम से। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है ये ऑल अक्रॉस बहुत ही अच्छी स्प्रेड होती है, तो आपने खाना खाया अंदर कैबिन जो है वो थोड़ा सा स्मेल कर रहे, तो आप जस्ट ये स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बहुत ही बिग साइज का ग्लव बॉक्स, यहाँ पे कप होल्डर्स अवेलेबल हैं, पेन होल्डर है, अंदर कुछ और स्पेस मिलते हैं, मतलब इतनी सारे स्टोरेज एरियाज दिए गए हैं, कार्ड होल्डर दिया गया है, पेन होल्डर है, यहाँ पे एक पिकॉक बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ और अंदर स्टोरेज एरिया जिसमें कि आपको लाइट मिल जाती है, कूलिंग फंक्शन मिल जाता है, और ऊपर की साइड यहाँ पे लैपटॉप एंड टैबलेट ट्रे। और अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक टॉयलेट सीट होल्डर मिलेगा, डे एंड नाइट IRVM ऑटो डिमिंग नहीं दिया गया, और यहाँ पे LED लैम्प जो कि काफ़ी अच्छा पावरफुल है, और यहाँ पे सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। और अब चलते हैं रियर सीट पे, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट सीट दी गई है ये अपने सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल है, बस ये जो सीट की हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, तो मैं काफ़ी अच्छी हाइट पे बैठा हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत ही नीचे हो गया, जैसे कि I20 में हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी हाइट में बैठा हूँ, ऐसा लगता ही नहीं अंदर बैठ के मैं हैचबैक में बैठा हूँ, वी फील लाइक वी आर सिटिंग इन अ SUV, इतनी अच्छी यहाँ पे सीट की हाइट दी गई है, कंफर्ट अच्छा है, और जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी एप्ट दी गई है, तो फ्रंट सीट्स आर गुड, अब चेक करते हैं रियर सीट इतनी अच्छी है भी या फिर नहीं। यहाँ पे फुल डोर ओपन ऐसे हो जाता है 90 डिग्री, तो इन एंड आउट तो ईजी है, यानी कि अंदर बैठना बाहर निकलना वो ईजी है। डोर्स पे आप देखेंगे स्पीकर दिया गया, बॉटल होल्डर, पावर विंडो कंट्रोल्स, ट्विटर्स, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर दोनों साइड ही मिल जाते हैं,
रियर सीट्स में आप ये दो आपको हेडरेस्ट मिल जाती है एडजस्टेबल, सेंटर में आर्मरेस्ट दी गई है, बट आर्मरेस्ट के अंदर कप होल्डर्स नहीं है, कप होल्डर्स होने बहुत ज़रूरी थे जो कि नहीं दिए गए, i20 में भी आपको नहीं मिलते। तो रियर सीट जो है वो काफ़ी चौड़ी है, यानी कि तीन लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, फ्लोर बोर्ड भी फ्लैट है, तो जो सेंटर में बैठा होगा उसको भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में लेग रूम में बस ठीक ठाक मिल जाता है, और यहाँ पे हेडरूम जो है वो भी ठीक ठाक दिया गया, 5'10" 5'11" के लिए ठीक है, 6 feet वाले के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, जो कि बाकी भी प्रीमियम हैचबैक में सेम ही केस है। फ्रंट सीट के बैक पे पॉकेट मिल जाती है, रियर एसी वेंट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया, और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है अपना स्मार्टफोन वगैरह रखने के लिए, जो कि आप डेफिनेटली नहीं रखने वाले यहाँ पे, सो कुछ स्पेस मिल जाती है। देन फ्रंट सीट बेल्ट जो है वो एडजस्टेबल है, तो उसकी हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। सो जो फ्रंट सीट है वो डेफिनेटली ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बट जो रियर सीट भी है उसकी हाइट अच्छी दी गई है, काफ़ी अच्छी हाइट पर हम बैठते हैं। तो दोस्तों ये था Altroz का एक बहुत ही क्विक येट वेरी डिटेल्ड वॉक अराउंड, एंड जितने भी ऑफर डिस्काउंट है उसके लिए फटाफट से जाके आप फॉर्म सबमिट कर दें एंड वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। और ये है डैशबोर्ड की लुक, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो दोस्तों।